चेहरा छुपा के रखना, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सहरा सजा के रखना, लेने तुझे भाभी आएंगे मेरे भैया। ए गरीबों की लता मंगेशकर, किसका सेहरा सजा रही है, किसकी दुल्हन ला रही, जरा इधर भी देख, इधर भी कुमार सानू आया घर को। अजी तुम तो ऐसा बोल रहे जैसे तुमको कुछ मालूम ही नहीं है, मेरे भाई की शादी है ना। ओ हो, उसके वास्ते गारी, अरे एड़ी गारी काय को, अरे एड़ी वैसे भी उसका चेहरा है ना छुपाने वाला ही है, देखने वाला नहीं है। तुमको इतना कैसा चुपता मेरा भाई? अरे तो चुपता ना वो, चुपता हुआ हाइज बूदी गत का नाक फनी खिल्ला। देखो जी मैं तुमको पहले ही समझा दे रही, अपने को मेरे भाई की शादी में चलने का तो चलने का। अरे शादी में जाने का, अरे उसके तीजे में नहीं जाऊं मैं, मालूम है क्या साला, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको पोरी दिया किसने, देखो तो वो पोरी के माँ बाप पे तरस आ रहा, अंधे तो नहीं है वो। अरे हाँ तुम तो रहने दो जी, मैं तुमको बोल दे रही मेरे भाई की शादी में अपने को चलने का है, मतलब चलने का है। तुम जाओ एक हफ्ते की छुट्टी लेके आओ। नहीं 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 नहीं, छुट्टी का तो नाम लेना ही नहीं तूने, मेरे को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, तुमको बोल दे रहा मैं। तो बाद में फिर मेरे को मत बोलना कि तेरे घर वालों ने फेटा बंधा ही नहीं दिया ये अनुभव। ओहो फेटा बंधा ही, अरे एड़ी तेको मालूम नहीं है, उसके रुक के छपाने के वास्ते भी पैसे है ना तेरे बाबा ने मेरे से लिए ले, मालूम है क्या? और 21 रुपए में मैं क्या कर लूं, अरे फेटा बंधो 21 रुपए। अरे कितना भी देते पर देते तो सही, तुम तो है ना 11 रुपए देने के लायक भी नहीं है, समझे क्या? ए, मैं तेरे अब भी बोल दे रहा हूँ, मैं तेरे भाई की शादी में नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, समझ रही ना? हाँ मैं तुमको समझा दे रही, तुमको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। क्या जी? हाँ आज तो एक भी रिक्शा नहीं आ रही, तो मैंने हड़ताल करा दी है क्या उनकी, आएंगी ना रिक्शा, सबर रखती क्या, इतनी कैसी तेको मायके जाने की खाई है, भाई की शादी देख रही वो। देखो आ रहा, रुक रहे बापू रुक रहे तू। देखी रिक्शा वाले भी टन काट के चले जा रहे थे को, देख के ये मेरा ही जिगर था, 15 साल से देख रहा थे को। अपने को देख के नहीं तुमको देख के ना रिक्शा वाले टन काट के जा रहे, ऐसा मुंह लेके खड़े रहेंगे तो रिक्शा वाले आएंगे नहीं ना, हटो पीछे। ओ नो रिक्शा। बोलो किधर जाने का? झोल नगर जाने का। ये किधर है? अरे इनकी बात मत सुनो, जामनगर जाने का है। अरे जामनगर हो क्या झोल नगर हो, एक ही बात है ना। अरे तुम ना इनको खामोश करा दो, बहुत कंफ्यूज कर रहे मुझे। ओह नो तुम गुच्चू बैठो जी। अरे तो मैं गुच्चू भी बैठा ना, जब से तेरी मेरी शादी हुई ना खाली मैंने एक ही बार बात करी ले, कबूल है कबूल है कबूल है, जब से तो खाली गुच्चू भी बैठा ना मैं। अरे चलने का है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा। देखो हमने हाल चाल पूछने के वास्ते नहीं रोके, समझ रहे ना, चलने के वास्ते ही रोके। बोल कितने पैसे लेंगे? 75 रुपए लगेंगे। अरे चम्मच से खाओ रे, चम्मच से खाओ ना दे, 4 गलिया जाने के 75 मांगेगा तू यार? अरे तो जाना पाओ पाओ, धूप में चटके खाते, मुझे काहे को रोका? 4 गल्ली के हिसाब से है ना, तेको 40 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर बढ़ा के नहीं दूंगा, चल रहूंगा तो चल नहीं तो जा। 60 रुपए लगेंगे, चलने का तो चल नहीं तो मैं जा रहा। अरे रुको रुको, अरे दे दो ना जी पैसे, पैसे बचा बचा के कबर में लेके जाने वाले हैं। तेको बड़ी घई है ना मेरे को कबर में पहुंचाने की। अरे एड़ी तेरे 40 रुपए का पुलाव खाऊंगा ना, जब ही मरूंगा मैं। चल रे भाई चल रे, सारी जिंदगी से तो खून पी रही है, तू भी 3-4 बूंद पी ले। चूल्हे तक लेके चले जा। ले। हाँ ये क्या है? क्या है? अरे 60 में बात हुई थी, ये 50 है 50। 40 रुपए से 1 रुपया ऊपर बढ़ा के देने वाला नहीं था मैं, लेकिन 10 बढ़ा के दे रहा, समझ रहा ना? अरे सही मेरे, बहुत जोड़ है रे तू। ऐसा? अरे तेरे ऐसे रिश्तेदार को है ना लोग गली के कोने पे से ही वटा देते। अरे चले
तेरे जैसे रिश्तेदार को है ना उखड़ले पे फेंक देते लोग, मालूम है क्या? अरे कम से कम हमारे रिश्तेदार तेरे जैसे तो नहीं है। अरे अगर तेरे जैसा मेरा रिश्तेदार रहता ना, मेरी पूरी खानदान पे केस कर देता था मैं, मालूम है क्या? चलना तू भी। ओए माँ। चल। ऊपर वाला बचा है तेरे ऐसे रिश्तेदारों से। अरे जवाई आ गए तुम? नहीं रास्ते में है, पापाव चल रहे। मामू एक बात बताओ, अभी तक तुमने तुम्हारे मोतिया का ऑपरेशन नहीं कराया क्या? ओ जवाई क्या बात करेगा तू, शादी में आए लेना के हिस्से बाटे करने आया? अरे गुच्चू बटो हो मामू, तुम क्या हिस्सा देंगे मेरे को? अरे तुम्हारे हिस्से तो मैं भरता। अरे शादी में आए लेना तू, जाओ पूरी सामान अंदर रख। अरे वसो ओ मामू, शादी में आया शादी में आया, क्या शादी शादी कर रहे तू? अरे तुम्हारे पौधे को है ना कोई पोरिया नहीं दे, मालूम है क्या? उसको पोरी मिल गई और तुमको मालूम नहीं है? सारे अगवा लोगों ने है ना हड़ताल कर दिए, मालूम है क्या? क्या हो बाप, ये हमसे क्या हो गया? अरे इतना कैसा जाहिर उगल रहा, अरे जवाई इतना कैसा जाहिर उगल रहा, उगल उगल। ऐसा ना, तुम तो बड़े फूल बरसा रहे ना मेरे ऊपर, जैसी आया वैसी ना खोलना चालू करे। तुमने पानी तक का नहीं पूछे मेरे को। अरे तेरे से तो बात करने बेकार है रे। हाँ तुमसे बात करना तो सवाब का काम है ना। बोले मेरे पोरे की शादी। ओह नो। अरे बहुत मुझोर जवाई मिल गए। अरे पोरी को देके भाग गया मैं उसको। मारूंगा अभी तेरे मुंह पे। हाँ अगर मेरा फोन गिरता ना एक ही फेट मारता तो बुद्धिगत के तेरे को। हाँ नहीं तो क्या? ओ घरे भाई, ओ घरे भाई, चट चट चट। अगर मारा ना तूने चम्मच जैसे हाथ। ओ घरे भाई, मेरी शादी के सेरे का बोले क्या तुमने? एक ऑर्डर नहीं दिया मैंने, मैंने तो तेरा आते ना चद्दर का ऑर्डर दिया, चद्दर का। उनकी चद्दर मालूम है क्या? वो जो कबर पे नहीं बिछाते क्या? वो वाली। यार काबे बाता कर रहे हो बड़े भाई, मेरे ऊपर है ना चद्दर चढ़ाएंगे क्या? अरे चद्दर क्या, मेरा बस चले ना तो तेरे ऊपर है ना बरगा बिछो बरगा, वो जो कबर में बिछाते पटलिया वो बिछा दूंगा मैं। ओ बड़े भाई तू मेरे ऊपर है ना खड़ा चलते। अरे तुमको है ना मेरा अच्छा देखे नहीं जाता ना? अब इससे ज्यादा क्या अच्छा देखे जाएगा रे मेरे से? अरे बड़े भाई तुमको गेंद दिए ले, इससे मैं कुछ नहीं बोलता, नहीं तो अब यहाँ तुम्हारा कांड ही कर देता था। मेरा कांड करेगा बुद्धिगत के तू है? अरे तुम क्या मालूम रे, तेरे साथ खुद कांड होने वाला है। शादी करेगा बुद्धिगत का, ये तो वही बात हो गई साला। हाँ घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे चेवन प्राण। तो क्या जवाई बहुत मजे में बैठा? तो मार दो चक्कू मार दो तुम, अगर उस पे भी तुम्हारा जी नहीं भर रहा होगा ना तो पट्टा काट के सट्टा सट मेरी पीठ पे मारो तुम। अरे चीचा मैं तुम्हारा जवाई है, ऐसा आके पट करके मारे हेला खरीदने आए क्या तुम? अरे ओ अरे चीचा ससरा है ना मैं तेरा, इतनी लंबी जबान चल रही तेरी? रिश्तेदारी मेरे को मत बताओ, काय हुआ है खाली इतना कहो। अरे क्या जवाई इतनी एंड टाइम पे आते क्या? अरे काम की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई। अरे चीचा सुखद मानो कि मैं आ गया, समझ रहे ना? अब क्या हो एक बात बताओ, तुमको सबकी चौकीदारी पे लगाए ले क्या? कौन कितने टाइम आ रहा, कौन कितने टाइम जा रहा? क्या ढीट है रे, सही बोलते सब घर वाले। ये अच्छा नहीं करे बड़े भाई तुमने, ये अच्छा नहीं करे। क्या रे जवाई, क्या रे जवाई, जवाई तूने अच्छा नहीं करा, तूने अच्छा नहीं करा। क्या हुआ? अरे ये क्या कर रे तूने, पेट का गोला दिया था ना रे तेको, कम अज कम उसकी तो लाज रखने का था। क्या जी कौन से जन्म का बदला लिया तुमने मेरे से, मेरे घर वालों से? अरे तो क्या हुआ, क्या क्या हुआ क्या, मेरे को बताओ तो सही। सादे केटले एक साथ गरम हो गए। देखो रोको एक तो ये रह गए, एक तो मैं रहूंगा, ये तो मेरी जान का है ना कुछ भी कर लूंगा। अरे जान दे बेटा, सबर कर, अपुन ने पोरी दिए ले उसको, नहीं तो मैं उसके नल्ले पे खड़े रहता था। अरे तो क्या हुआ, क्या
हुआ क्या मेरे को ये तो बताओ। अच्छे भले शादी के घर में मैयत का पुकारा कर रहे। अरे कौन की बारात, कौन का रिश्ता टूट गया ना, मेरे पोरिया का रिश्ता टूट गया रे। शादी टूट गई? अच्छा वो बिचारी इज्जत की मौत मरी है। और क्या हो ये तुम सारे मिलके मेरे ऊपर बरस रहे, मैंने तोड़ा क्या शादी जाके उसकी? अरे भाई भाई तुम्हारी वजह से तो मेरी शादी टूटी ना। अरे जो रिक्शा वाले से तुम झगड़ा करके आए ना। 40 रुपये से 1 रुपया ऊपर बढ़ा के देने वाला नहीं था मैं, लेकिन 10 बढ़ा के दे रहा, समझ रहा ना। अरे तेरे जैसे रिश्तेदार को है ना लोग गली के कोने पे से ही उठा देते। अरे चले तेरे जैसे रिश्तेदार को है ना उखड़े पे फेंक देते लोग, मालूम है क्या? कम से कम हमारे रिश्तेदार तेरे जैसे तो नहीं है। ऊपर वाला बचा है तेरे ऐसे रिश्तेदारों से। वो रिक्शा वाला मेरा साला था। हाय दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए और हमारे चैनल चेरी फिलिक्स को सब्सक्राइब कीजिए।